बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय जी, आपने एक बहुत ही सेंसिटिव विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया है। ऐसे 6-7 लाख लोग दक्षिणी दिल्ली के अंदर संगम विहार और देवली एरिया है, वो क्षेत्र में 6-7 लाख लोग रहते हैं। वहाँ आवागमन के लिए मात्र MB रोड से 3 या 4 रास्ते हैं, वो शूटिंग रेंज से है, रतिया मार्ग से है, तिगरी से है, मंगल बाजार से है। 7 लाख लोग हृदय घात की कोई बीमारी हो जाए, क्योंकि वो 25-30 फुट से ज्यादा की रोड नहीं है। बाहर के लोग आकर बसे हुए हैं, गरीब लोग रहते हैं, लेकिन उसके बराबर में दक्षिण के अंदर और पूर्व के अंदर रिज एरिया की जमीन है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तरांचल और हिमाचल की समस्या को देखते हुए देश में से कानून में अमेंडमेंट किया था जावड़ेकर जी के द्वारा कि फॉरेस्ट की लैंड अगर स्टेट की गवर्नमेंट रिज मैनेजमेंट बोर्ड के माध्यम से, जिसका मुख्यमंत्री चीफ से जिसका चीफ होता है, उसके माध्यम से ग्राम पंचायत की जमीन रिज में ट्रांसफर कर सकते हैं और रिज की जमीन को लोगों के आवागमन के लिए दे सकते हैं। लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री वो बिल्कुल संवेदनहीन मुख्यमंत्री है। वहां पर क्योंकि 20-22 फुट के रोड से 6-7 लाख लोग काम धंधे के लिए 2-2 घंटे दोनों टाइम बेचारे जाम में फंसे रहते हैं, तो वहां पर अगर संगम विहार के साथ साथ जो फॉरेस्ट की लैंड है उसके साथ साथ एक 60 फुट का रोड और 100 बीघा जमीन असोला फतेहपुर ग्राम पंचायत की है, उसको वो ट्रांसफर कर दें और उन लोगों को एक बाईपास सड़क शूटिंग रेंज से मिला दें, एक असोला वर्ल्ड सेंचुरी की तरफ मिला दें, तो ऐसे लोगों को दिल्ली में राजधानी में रहने के लिए सही रास्ता मिलेगा और लोगों को निजात मिलेगी जो गुलामी का जीवन जीने को मजबूर है। आपने उन 7 लाख लोगों की समस्या के लिए यहाँ पर पार्लियामेंट में बोलने के लिए मौका दिया, इसीलिए जो सरकार ने केंद्र ने कानून बनाया, केंद्र सरकार मेरा निवेदन है कानून लाए, और दिल्ली का मुख्यमंत्री संवेदनहीन ऐसे कामों में करने में अड़चन डालता है, उसकी शक्तियों को LG को ट्रांसफर किया जाए, जो LG को अधिकार हो कि गरीब लोगों की समस्या या जनहित की समस्याओं में वो ऐसे कदम उठवा सके। बहुत बहुत धन्यवाद जी।